और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट आज देहरादून आप प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि जोत सिंह बिष्ट के पार्टी में शामिल होते ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्हें पार्टी ने प्रदेश संगठन समन्वय की जिम्मेदारी दी है। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने पार्टी में शामिल होने को लेकर आप नेता जोत सिंह बिष्ट से खास बातचीत भी की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी इनको मिली है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, नई पार्टी आपने ज्वाइन की है। क्या कारण रहा सर कि कांग्रेस से जो है मोह भंग होकर अब आम आदमी पार्टी में आपने जो है? मेरा मोह जो है कांग्रेस के नेताओं की जो अंतर्गत कलह चल रही है, वो जो पार्टी का हित सर्वोपरि रखने के बजाय अपना हित सर्वोपरि रख करके वहाँ पर रोज़ रात झगड़े कर रहे हैं, रोज़ एक नया गुट तैयार हो रहा है, तो उससे अजीज आकर के मुझे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और मुझे उसके बाद यहाँ आम आदमी पार्टी में शामिल होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में मैं 40 साल रहा और 40 साल में मैंने पार्टी के लिए जितना किया उतना शायद कोई दूसरा आदमी मेरी तरह से खम ठोक करके नहीं आ सकता कि मैंने कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत की। लेकिन उसकी तुलना में मैं देखता हूं कि 1996 जब उत्तर प्रदेश में थे कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया, उसके बाद 2002 में नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा। 2007 में नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा। 2008 में मैंने जिला पंचायत का टिकट मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा। तो उसके बाद 2017 में नहीं दिया, अब 26 साल बाद 2022 में टिकट दिया और उसके बाद मेरे खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने क्षेत्र में जिस ढंग का भीतरघात किया और मुझे हराया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी में रह करके मेरे पास जितना समय बचा मैं क्यों खराब करूँ? क्या लगता है कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की गुटबाजी, क्या गुटबाजी से ही कौन चल रही है? कौन ऐसा है कि जो लोग हैं वो अखबारों में बयान दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं और आपको भी रोज दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम लेकर के क्यों किसी का बुरा बनूं? उनका कर्म उनके साथ है, मैं जो कर सकता हूँ अच्छा कर सकता हूँ, उस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके समाज के किसी काम आ सकूँ, इस भावना से यहाँ पर आया हूँ। क्या लगता है कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है? निश्चित रूप से वहाँ गुटबाजी के अलावा कुछ और है ही नहीं। जो काम नीति है वो न होकर के वहाँ पर गुटबाजी और गुटबाजी रोज यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी में अब क्या भूमिका आपकी रहेगी, किस तरीके से काम होगा? प्रदेश संगठन समन्वय की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने दी है और मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। आज मेरा पहला दिन है, मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को जो मुझे सुनने प्रणाम करने के साथ, उनमें से वो जो कांग्रेस के अंतर्कलह से पीड़ित हैं जिनके साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, उन सब का भी आम आदमी पार्टी में आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जोत सिंह बिष्ट, जिनका कहना है कि जिस प्रकार का जो है गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है उस गुटबाजी से तंग आकर जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और जिस प्रकार से संगठन समन्वय की भूमिका में जो है अब यहाँ पर वो काम करते हुए दिखाई देंगे। अपने सहयोगी सुनील के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।